रही है और कहीं लास्ट हाफ बाकी है तो सर हम जवाब के लेंगे। नहीं मान लीजिए सर, नहीं हो सकता सर, क्योंकि हम लोग थे ना अरे ये तकरीर ले चलो धोखी कहाँ दे वाली करा रहे उसके साथ मीटिंग दीवार पर कर दे सर, ये कर दे जाएगा ये मुझे लेते ही भुलाई करा दे सर। तुम कह रहे थे उस दिन ना, कल बोल रहे थे ना कि तुम्हारी तेरी माँ का कहना है कि मेरी चाची खाना लाई, खाने में जहर मिला करके लाई और वो खाना मेरे पापा खाए, खाना खाने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, तुम्हारी चाची एकदम बिल्कुल निर्दोष है, समझे? तो मेरे पापा की मौत कैसे हुई सर? तुम्हारे पापा क्योंकि तुम्हारी चाची इसलिए निर्दोष है, तुम्हारे पापा की मौत हुई उस दिन तुम्हारे पापा खाना खाए ही नहीं, आए ही नहीं, आई उनके पेट में अनानास की चीज ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है। तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई ये जानना चाहते हो ना? तुम्हारे पापा की मौत जहरीली दवा खाने से हुई है। तुम्हारे पापा की मौत का कारण जहरीली दवा बताई जा रही है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पढ़े हो? जी सर। तो लो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है, तुम भी पढ़ लो और तुम्हारे घर में जो कोई भी हो उसे पढ़ा लो। देखिए सच में लिखा है कि जहरीली दवा खाने के कारण पापा की मौत हो गई। आखिर मेरे पापा से इतनी बड़ी सर, मेरे पापा बहुत नेक इंसान थे, वो बहुत सीधे साधे इंसान थे, गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। पता लगाइए सर तो मेरे पापा को जहरीली दवा खिला सकता है सर। देखो ये पता लगाना आप लोगों का काम नहीं है, पता लगाना तो हम लोगों का काम है। खैर इस वक्त तुम्हारे पापा की लाश गाड़ी में पड़ी है और लाश का पोस्टमार्टम भी हो गया, बदबू मारने लगी है। इसलिए तुम सब कोई यहाँ से जाओ, लाश को ले जाओ, उनकी लाश का कफन दफन करो। यहाँ पर सिर्फ दो आदमी रहेंगे राहुल, कौन कौन सा? तुम्हारा शंकर और तुम्हारी भाभी जो कि बिहार वाली है, इसका नाम सुमित्रा। और तुम्हारे बड़े भाई है कृपा शंकर। जाने के बाद मैं इन दोनों से पूछताछ करूंगा। अच्छी बात है, बहुत जल्द जाओ सर। पापी को कड़ी से कड़ी सजा दे रहा है, पापी की सजा दे रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूंगा। कृपा शंकर को बुलाओ और ये रूल लो अपने हाथ में।
इधर देखो साहब, जितना तुमसे पूछेंगे उतना तुम पेशाब बताना है। साहब जितना तुमसे पूछे उतना तुम पेशाब बताना। बाथरूम है ना भाई? नहीं होता है साहब। साफ साफ बताना, साफ बताना। जी सर। देखो मिस्टर चंद्रशेखर जी सर, जो सवाल मैं आपसे करूं मेरे सवाल का जवाब सच और सही देना। ठीक है साहब। देखो कृपा शंकर, रमा शंकर पहले से बीमार चल रहा था या हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हैमरेज हो गया, कैसे उसकी मौत हो गई? सर राम भाई रमा शंकर लगभग 14-15 साल से टीबी से परेशान था, उसका ना चल रहा था साहब, और 15-16 साल इलाज चले के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ साहब, खत्म हो गया। रमा शंकर 15-16 साल से बीमार चल रहा था, उसका इलाज हो रहा था। हाँ साहब। दवा हाँ साहब। इलाज कहाँ से हो रहा था? उसका इलाज तो इलाहाबाद से चल रहा था, लेकिन कौन से अस्पताल? तेलियागंज। जी सर, डॉक्टर साहब अंदर से दवा नहीं देते थे, बाहर की दवा लिखते थे, वो एक महीने की दवा लाया करता था साहब। रमा शंकर का इलाज इलाहाबाद तेलियागंज से हो रहा। जी सर। और डॉक्टर दवा बाहर से लिख देते थे, मेडिकल स्टोर से आप? हाँ साहब। दवा कितने दिन के आते? एक महीने के साथ। एक महीने की दवा लिया आपने। रमा शंकर को दवा कौन खिला रहा था? परिवार में जो मौके पर रहा करता था वही रमा शंकर को दवा खिला देता था। यानी तुम्हारे घर में जो भी सदस्य? हाँ सर। मौके पर मौजूद रहते थे वही दवा खिला देते। रमा शंकर की मौत किस दिन हुई, कौन सी तारीख थी, कितने समय हुई? रमा शंकर की मौत यह है फिर मंगलवार तारीख 23, समय लगभग 5 के आसपास में था। रमा शंकर की मौत तारीख 23 दिन मंगलवार। जी सर। समय 5 बजे। हाँ सर। आज कौन सी तारीख है? आज तो साहब 25 सर। 25। जी सर। यानी 23, 24, 25। जी सर। खबर हम लोगों को 24 को मिली। जी सर। है ना? कृपा शंकर, तारीख 23 दिन मंगलवार, रमा शंकर को जहरीली दवा ला करके किसने दिया और रमा शंकर जहरीली दवा खा लिया, जहरीली दवा खाने से रमा शंकर की मौत हो गई? साहब मेरा तो काम था, एक महीने की पूरी दवा लाया था, परिवार में जो रहता था खिला देता था, अभी 15 दिन दवा उखाई गई है, 15 दिन की दवा की बाकी है, बीच में कौन जहरी दवा लाया, कौन खिलाया, इस बात को साहब हम नहीं समझ पाएंगे। कृपा शंकर जी सर, मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, मैं तो 15 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं तारीख 23 दिन मंगलवार की बात कर रहा हूँ कि तारीख 23 दिन मंगलवार को जहरीली दवा ला करके किसने रमा शंकर को दिया और रमा शंकर जहरीली दवा खा लिया, जहरीली दवा खाने से रमा शंकर की मौत हो गई। मिस्टर कृपा शंकर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो घी निकल आए, तुम नहीं समझते हो कि मेरा नाम इंस्पेक्टर सीताराम सक्सेना है, मैं वो सच हूँ कि मुर्दों से सच बुलवा लेता हूँ, फिर आप तुमको जिंदा हो सच से बता दो। आप तो ईश्वर सवाल कर रहे हैं, जैसे हमें तो आपका कोई शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि रमा शंकर की मौत कोई साधारण मौत नहीं है। रमा शंकर की मौत कोई साधारण मौत नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? मेरी बात सुनो। सुनिए तो सर। जानना चाह रहे हो? आप ही तो जानना चाह रहे हो।
कौन कीजिए मैं कभी चोर घोटे ढके आतंक समाधि ये स्मगलर नहीं हो मेरा भाई है और भी एक खून से आंदोलन भाई पैदा हुए है यह है बार बार वही सवाल कर रहे हो बार बार आपके सवाल का एक ही जवाब मिल रहा है आप मारते मारते मेरी जान क्यों ना ले लो लेकिन आप अपने हल्टर से मेरी जवान को बदलवा नहीं सकते हो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें हल्टर से नहीं लगेगा बताइएगा और तू ही बताएगा इस्तेमाल कर लो साहब साफ साफ बता दो ना खड़ी गई लगा त्रियो करें समझ आ जाएगा दीवान जी यह कानून हम नहीं जानते रईस वाला कैसे प्रवर्ती है तुम ले होगी वर्दी जब इसके नसीब में होगी तभी तो पहनेगा सर दीवान में कर दू ये बता देगा कैसे आइडिया मानो बताओ अगर पुलिस वाले का आइडिया ना मालूम हो इसकी मतलब की लोकल स्टोर कहना क्या चाहते हो एक मिनट आप खड़ा हो लेटर ढूंढ ले जाओ गिलास अबे सारी आलू के गाड़ी में लेटर रख ले जाओ घंटे के अंदर थाने में चले जाना गवाह सबूत लेकर के
कानून की बात है, आपको साबित हो गई तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आए ना तो मैं इसका चार्जशीट बना करके चालान कर दूंगा। थोड़ा कुछ लेन देन करके मैटर हल्का कर दिया जाए। कितना? लगभग 5,000 रुपए है मौके पर। 5,000? ऐसे नहीं दे रहा हूँ, ये है थोड़ा इसको थाने में खाने पीने की दिक्कत ना हो। हाँ, चिंता मत करिए, सुनो 5,000 रुपये तो होता है जी सर, तो 5,000 रुपये मुझे दे रहे हो जी सर, उसको कोई कमी नहीं होगी, बल्कि मैं उसके पास मैं खाने खुश होऊंगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कैसे मालूम हो गया कि कोई आ रहा उसके पास? वहाँ आपको नहीं सोना है, उससे खाने पीने की दिक्कत तो हो? हाँ जी, ये पैसा खाने दे रहे हैं? नहीं, ये आपके लिए दे रहा हूँ। मेरे लिए? जी सर। अच्छा अच्छा, उसको दिक्कत ना हो किसी तरह। खाने जो खिलाऊंगा उसका खर्च कहाँ होगा? उसका अलग से मैं दे दूँगा। बहुत जल्द आऊँगा। ठीक है Thank you.
और दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मेरा सहारा मेरे साथ किसी का कोई नहीं है। काले जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ चाचा से मुलाकात कर लूँ, इसके बाद काले जाऊंगा। अपने चाचा का यहीं पे इंतजार कर लेता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था नहीं खोजा? आप मुझे किस लिए ढूंढ रहे थे? बेटा मैं तुम्हारे पास कब आए? मैं दो मिनट में तुमसे बात करना चाहूंगा। जो तेरी सौतेली माँ सुमित्रा है वो जेल में है। मैं सोच रहा हूँ अगर जेल में रहेगी तो परिवार की बदनामी होगी, इसलिए उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमारे मौके पर पैसा नहीं है। जो तेरे स्वर्गीय माँ का गहना तेरे पास है वो गहना हमें दे दे। उस गहने को मैं बेच कर मझली बहू की जमानत करना चाहता हूँ। अरे तो सर मानी चाहिए जो हरानी आदत मेरे बाप को मुझसे छीन ली, मेरे बाप को जहर से करवा डाली, उस औरत को छुड़ाने की बात आप करते हैं। और मैं अपनी स्वर्गीय माँ का गहना और पते दूँ और वो गहना बेच कर उस डांग को छुड़ाने जाएंगे। एक बात नाम खोलकर सुन लीजिए दादाजी, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने माँ की अमानत को आपको कभी नहीं दूंगा। तेरे दुख का कारण भी बनेगा और
और जो दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी में महंगी पड़ेगी। दादाजी मुझे जान से मार आते, चाचा आप किसी वगैरह दुनिया में कोई नहीं है।